दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हेन विल विजय माल्या एंड नीरव मोदी बी सेंट बैक टू इंडिया, यानी कि विजय माल्या और नीरव मोदी इंडिया वापस कब आएंगे। बहुत सारे केसेस हैं जहां पे इंडियन बिजनेसमैन वो इंडियन गवर्नमेंट को चीट करते हैं, इंडियन बैंक्स को चीट करते हैं, उसके बाद वो इंडिया से भाग जाते हैं। इन लोगों का जो मेन डेस्टिनेशन है वो है ब्रिटेन। उसी तरीके से यहां पे बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो यहां पे क्राइम करके इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं और उनका भी जो मेन डेस्टिनेशन है वो भी ब्रिटेन है। और ये जो लोग भागते हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट बड़े सालों से कोशिश कर रही है कि उनको इंडियन गवर्नमेंट वहां से लेके आए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेसफुल नहीं है। 1997 में गुलशन कुमार जो फाउंडर थे टी सीरीज के, उनका मर्डर हुआ कोल्ड ब्लड में मुंबई के अंदर। उनके मर्डर में इन्वॉल्वमेंट थी अंडरवर्ल्ड की और अंडरवर्ल्ड को उसमें सुपारी दी गई थी, सुपारी दी थी एक नदीम करके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे बॉलीवुड के अंदर। और जब उनका नाम सामने आया तो उसके बाद वो यहां से लंदन भाग गए और इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की लेकिन नदीम को इंडियन गवर्नमेंट वापस नहीं ला पाई। मार्च 3, 2016 को विजय माल्या जो कि एक लेकर के बिजनेसमैन थे और जिनकी एक एयरलाइंस थी स्पाइस जेट के नाम से, वो 17 इंडियन बैंक्स को चीट करके 9,500 करोड़ का चीटिंग किया उन्होंने, उसके बाद वो ब्रिटेन भाग गए। उसी तरह जनवरी 2018 में एक नीरव मोदी जो कि डायमंड के ट्रेडर थे और वो और उनके अंकल मेहर चौकसी इंडिया छोड़कर के ब्रिटेन भाग गए। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को चीट किया 13,578 करोड़ रुपए का। मेन रीजन था कि जो बैंक के ऑफिशियल थे वो इन्वॉल्व थे नीरव मोदी को लोन देने के लिए और उन्होंने ये बात गवर्नमेंट से काफी देर तक छुपाई रखी, लेकिन जब यह बात गवर्नमेंट के नोटिस में आई, गवर्नमेंट ने एक्शन स्टार्ट किया तो नीरव मोदी अपने अंकल के साथ मेहर चौकसी के साथ इंडिया छोड़ के भाग गए ब्रिटेन में और वहां जाके उन्होंने असाइलम ले लिया। इंडिया और ब्रिटेन की एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो कि 1992 में साइन हुई थी, लेकिन इसके अंदर ब्रिटेन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो पाता। अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट राजी भी हो जाती किसी को कुछ एक्शन लेने के लिए तो वहां के कोर्ट इंटरफेयर कर जाते, लेकिन यह कहा जाता है कि ब्रिटेन ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके लिए सबसे बेस्ट एक हाइडिंग प्लेस है, और स्पेशली उन क्रिमिनल्स के लिए जो बिलियनर्स हैं यानी कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लूटा है। 2013 से 5,500 इंडियंस ने ब्रिटेन के अंदर असाइलम लिया है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे दोनों कंट्रीज की आपस में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, लेकिन आज तक इनमें से सिर्फ एक आदमी जिसका नाम है समीर भाई वीनू भाई, वो ब्रिटेन से इंडिया में एक्सट्रेडाइट हुआ है 2016 के अंदर। बाकी जितने भी ये लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया है या जिन्होंने वहां पे शरण ली हुई है या चोरी करके भाग गए हैं, उनमें से कोई भी आदमी आज तक इंडिया वापस नहीं आया। ब्रिटेन ने अपने जो लॉज हैं बड़े क्लेवरली डिवाइस किए हुए हैं। उनका लीगल सिस्टम इस तरीके का है कि अगर कोई भी पर्सन उसको अगर हैंग करना हो दूसरी कंट्री के अंदर तो ब्रिटेन उसको डिपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने इस तरीके के लॉ बनाए हैं या ब्रिटिश कोर्ट्स के इस तरीके का एटीट्यूड है कि अगर कोई आदमी वहां पे पॉलिटिकल असाइलम लेगा तो उसको भी ब्रिटेन वहां से डिपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि उसमें कोर्ट उनके इंटरफेयर करेंगे। इसी तरीके मैंने कहा कि जो ज्यादातर पाकिस्तानी है उन्होंने ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लिया है और वहां पे आराम से बैठे हैं, उनको वहां पे कोई डर नहीं है। विजय माल्या और नीरव मोदी ने इंडियन बैंक से बहुत बड़े लोन्स लिए और ये जब उन्होंने लोन लिए ये लिए कांग्रेस के रिजीम के टाइम में। जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए और यहां पे गवर्नमेंट बननी थी मई 2014 में, तो ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस जाकर के बीजेपी पावर में आ रही है और ये भी समझ में आ गया कि इस टाइम पावर में आने के लिए नरेंद्र मोदी हैं, वो यहां के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये कहा जाता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और 12 और बड़े बड़े बिजनेसमैन उस टाइम पे मिलने गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से। उन्होंने उसके मदद की बात की क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये मुझे बात बताई वहां के सिक्योरिटी के स्टाफ ने जो उनके घर में पोस्टेड थे। राहुल गांधी ने उनको भेज दिया पी चिदम्बरम के पास, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये कहा जाता है कि पी चिदम्बरम ने उस टाइम पे फोन किया आरएलएम रघुराजन को। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन है इनकी फाइलें जल्दी से चली और इन बिजनेसमैन के जो लिमिट थी उसकी जो लोन की वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो लिमिट एक्सटेंड की गई ये विजय माल्या, नीरव मोदी और बाकी लोगों की भी की गई, इसमें लिमिट को एक्सटेंड किया गया और ताकि ये वहां से बैंक से ज्यादा से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सके। जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने या उनकी कैबिनेट वहां पर हुई तो उनको सेटल करने में कुछ ना कुछ टाइम लग गया, लेकिन क्योंकि बहुत सालों से कांग्रेस वहां पावर में रही इंडिया के अंदर, तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनकी ज्यादातर लॉयल्टी रही कांग्रेस के साथ।
लेकिन विजय माल्या और नीरव मोदी ने जो करप्शन में इन्वॉल्व हुए, ये हुए कांग्रेस के रूल में, लेकिन इसके ऊपर सारा ब्लेम डाला जाता है कि बीजेपी के ऊपर। अब लोग अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि कब ये लोग जो हैं, जो इंडियन थीव्स हैं, ये कब इंडिया के अंदर वापस आएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट दूसरी तरफ से प्रेस कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नीरव मोदी और विजय माल्या को इंडिया में डिपोर्ट किया जाए, लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, ये जो इंडिया को लूट के चले गए हैं, ये कंफर्टेबली बैठे हैं यूके के अंदर। मीन टाइम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसीज ने काफी स्टेप्स लिए इंडिया के अंदर, और जो नीरव मोदी और विजय माल्या की यहां पे प्रॉपर्टीज थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया, और कुछ प्रॉपर्टीज जो उनकी थी इलीगल थी उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। जैसे मैंने बात की कि इंडिया ने ब्रिटेन के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की थी 1992 में, और ये होप किया जा रहा था कि ये जो दोनों थीव्स हैं या दोनों चोर हैं, ये इंडिया को जल्दी वापस आएंगे या इनको इंडिया जल्दी वापस ला लिया जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जो ब्रिटेन है वो एक सेफेस्ट साइटिंग प्लेस है उन लोगों के लिए जो क्रिमिनल्स हैं और जो बिलियनियर्स हैं। विजय माल्या ने 17 इंडियन बैंक्स को चीट किया 9,500 करोड़ का, वो उसके बाद ब्रिटेन भागा और ब्रिटेन में कंफर्टेबली बैठा हुआ है। और ये कहा जाता है कि जब वो कोर्ट्स की अपनी डेट अटेंड करने आते हैं तो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं, सिगार स्मोक करते आते हैं, और उनको लगता है कोई फिक्र की बात नहीं है। और विजय माल्या की स्टेटमेंट आई, जब लोगों से बात की उन्होंने प्रेस वालों से, उन्होंने कहा आई एम लाइक ए पॉलिटिकल फुटबॉल, यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं एक विक्टिम हूं पॉलिटिकल वेंडेटा का, और इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि विजय माल्या कभी भी ब्रिटेन से इंडिया वापस आएंगे, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। जहां तक नीरव मोदी की बात है, वो कोर्ट की जब हियरिंग सुनने आते हैं तो ये कहा जाता है कि उनकी जो जैकेट होती है वो £10,000 की कॉस्ट की है। जहां तक ब्रिटेन की बात है, ये कहा जाता है कि ब्रिटेन ने जो अपने लॉज हैं बड़े क्लेवरली डिवाइस किए हुए हैं। अगर वहां पे कोई किसी का एक्सट्रेडिशन है पॉलिटिकल रीजन पे तो उसको वहां से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी क्रिमिनल को वहां पे डेथ पेनल्टी मिलने का स्कोप मिलता है जिस कंट्री से वो आया तो भी उसको वहां से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, और इसी के ऊपर वहां के जो कोर्ट्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जितने भी ये लोग हैं जो इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री छोड़ करके ब्रिटेन भागते हैं, वो ज्यादातर होते हैं बिलियनर्स, यानी कि अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा लूट करके आए हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और ये जो ब्रिटेन में भी जाते हैं उसके बाद भी बिलियनर्स रहते हैं, यानी कि इनके पास तभी बहुत पैसा होता है। ये कहा जाता है कि 2006 से 2015 के बीच में ब्रिटेन ने इन बिलियनर्स के थ्रू या इन चोरों के थ्रू $129 बिलियन कमाया। करप्शन वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा है कि ब्रिटेन ने अभी तक $800 बिलियन अपने यहां कमाया, और वो इस तरीके से कमाया कि जो लोग बाहर से भाग के हैं ब्रिटेन के अंदर उनको असाइलम देंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर कुछ लीगल कंपनीज हैं जो इंडियन लॉस और इंडियन सिस्टम से बहुत ज्यादा वाकिफ है अच्छी तरह से। एक आनंद दुबे करके एक इंडियन है जो एक ऐसी कंपनी चलाते हैं, और जब ये लोग यहां से भाग के ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां के जो टॉप लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इनकी मदद करते हैं कि वो ताकि वहां से डिपोर्ट ना हो। जब एक टेरेसा मे ब्रिटेन की होम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक्सट्रेडिशन लॉ के ऊपर एडवाइस किया जाए, और जो आनंद दुबे हैं उन्होंने इस कमेटी के अंदर बैठ करके एक्सट्रेडिशन लॉ के ऊपर टेरेसा मे को पूरी एक जानकारी दी, और ये जो आनंद दुबे हैं यही नीरव मोदी और विजय माल्या का केस लड़ रहे हैं। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 5 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हों क्योंकि उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन विजय माल्या उस कोर्ट की डेट को अटेंड करने नहीं आए। और ये मैं बता दूं कि विजय माल्या कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।